मैं हूं पूनम मोर एंड आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 टू 56 जो पार्ट फाइव के अंदर आते हैं और इसमें मेनली प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट जन स्टडी को ये जो लिस्ट है अपने जो आज तक के प्रेसिडेंट है उन सब की है जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और जो करंट प्रेसिडेंट है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आर्टिकल फिफ्टी टू सेवेंटी एट इन पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन जो आर्टिकल फिफ्टी टू से सेवेंटी तक है पार्ट फिफ्थ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील करता है बताता है अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या, क्या क्या कंसिस्ट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स एंड द अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सारी चीजें यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आती हैं नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत का राष्ट्रपति है इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब वही हमारा पहला व्यक्ति है दे, अपने देश का इंडिया का हेड होता है वो द प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया फॉर्मल हेड होता है ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो अपने तीन पिलर है इनका एंड ऑल्सो द कमांडर इन द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स और कमांडर होता है इंडियन आर्मड फोर्स का अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल फिफ्टी टू दे आर बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में आर्टिकल फिफ्टी टू अनुच्छेद बावन यह बताता है आर्टिकल फिफ्टी थ्री क्या कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव की पावर है ऑफ द यूनियन यूनियन में सेल्फ बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट मतलब वो किसके हाथों में होगी वो अपने राष्ट्रपति के हाथों में होगी एंड सेल्फ बी एक्सरसाइज्ड बाई हिम आइदर डायरेक्टली और वो कैसे काम करता है या तो वह तो खुद डायरेक्टली वो डायरेक्टलीफिसर मतलब सबोर्डिनेट मतलब या फिर इनडायरेक्टली किसी को बोल सकता है अदर ऑफिसर्स को वो काम करने के लिए विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अपने संविधान में लिखा गया है विदाउट प्री जुडाइज टू द जर्नलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन सेल बी वेस्टेड इन द प्रेडेंट एंड द एक्सरसाइज देअ ऑफ सेल बी रेगुलेटेड बाई लो वो जो बात हमने बताई थी कि जो आ, अपना प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस का और ये सारी चीज़ें अपनी लो से मतलब कानून के अंतर्गत जो जो स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करके वो अपनी ड्यूटी को आ, निभाएगा अच्छी तरह नेक्स्ट इज आर्टिकल फिफ्टी फोर द प्रेसिडेंट सेल बी इलेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है कैसे होते हैं इनडायरेक्टली पीपल उन मतलब लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होते उनके जो उनके चुनाव करते हैं इलेक्टेड मेबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है उनके जो इलेक्टेड मेम्बर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं वो नहीं जो मतलब नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंदर नहीं आएंगे सेकंड है द इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके इलेक्टेड मेंबर नेक्स्ट इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल फिफ्टी स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट के अंदर क्या क्या Uh, आते हैं जो अपनी कैपिटल है वो दिल्ली दे, दे भी आती है एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पोंडिचेरी और जो अपनी यूनियन टेरिटरी है पोंडिचेरी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है पार्ट लेती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अब मैनर क्या होता है इलेक्शन का वो फिफ्टी फाइव डिस्कस करता है एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर सेल बी यूनिफॉर्मिनिटी इन द स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिफॉर्मिनिटी होगी एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तब फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी और इस यूनिफॉर्मिटी को सिक्योर करने के लिए अमॉंग द स्टेट स्टेट्स के बीच में एज वेल एज द पार्टी बिटवीन द स्टेट एज एज द यूनियन द नंबर्स ऑफ वोट विच इच इलेक्टेड ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ़ ईच स्टेट आर इंटाइटल टू कास्ट एट सच इलेक्शन सेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स कुछ मैनर्स दिए गए हैं इनको इन, इन यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए इसमें क्या है एवरी Elected member of the legislative assembly, the legislative assembly, ka pratek, elected member of the state shall have many, as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. If after taking the said multiples of 1000 the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred in sub. क्लोज सेल बी फर्दर इंक्रीज बाई वन इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एम एल ए होती है उनमें कैसे उनका वोट कैसे गिना जाएगा उसका टोटल पॉपुलेशन होती है जो स्टेट की उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जितने मेम्बर इलेक्ट मतलब खड़े हुए हैं और उस उन दोनों को डिवाइड करके हम उनको वन बाई वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो इस की वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकल जाएगी नेक्स्ट है each elected member of either of the house of parliament a parliament ki value vote ki kaise niklegi such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assembly of the state under sub clause a and b by the total number of elected members of both houses of parliament fractions excluding one half being counted as one of other fraction being discarded. मतलब इसकी वैल्यू निकलेगी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकल जाएगी और जो वैल्यू ऑफ ऑल एम हैं उनकी वैल्यू इक्वल होगी वैल्यू ऑल एम एम एल एज के साथ ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सेल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोशनल रिप्रजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन सेल बी ए सीक्रेट बैलेट एक्सप्लेनेशन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन असरटेन एट द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिवलेंट फिगर्स हैव बिन पब्लिश इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो एक सिस्टम के अंदर होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है जो अपना हर मेंबर है जो वोट डालेगा उसके पास एक वोट डालने का अधिकार होता है लेकिन वह वोट ट्रांसफरेबल किया जाता है है एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट तक और जो इसका जो uh, मतलब इलेक्शन होगा वो एक सीक जो बैलेट होगी वो सीक्रेट होगी वो किसी को दिखाई नहीं दे देगी ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ ना हो अब क्या है ट्रम्प ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट सेल होल्ड ऑफिस फॉर ए टीम ऑफ फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफ़िस मतलब इनका जो काल होता है वो पाँच साल तक का होता है और वो तब से शुरू होता है जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करते हैं सेकंड प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन द ऑफिस और वो कभी भी ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं रिटर्न में लिख कर वो इस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देकर Third, the President may, for the violation of the Constitution, be removed from, by, from office by impeachment in the manner provided in Article 61. जो आर्टिकल सिक्सटी वन है वो बताता है कि जो अपने प्रेसिडेंट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है उनके पद से द प्रेसिडेंट सेल नोट विद स्टैंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ट्रम्प कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अनटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस और वो तब तक ऑफिस संभाल सकते हैं जब तक अगला कोई राष्ट्रपति ना आए ये हमने कुछ आर्टिकल डिस्कस करे अगली वीडियो में हम कुछ और आर्टिकल डिस्कस करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी समझ आई तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए धन्यवाद